हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संजय यादव और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बड़े कॉलेज या टीयर वन कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है और लोअर कॉलेज या फिर टीयर थ्री कॉलेज में अगर आपको हायर ब्रांच जैसे CSIT मिल रही है तो आपको दोनों में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए, एक प्लेसमेंट को प्रायोरिटी रखते हुए और बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए। मैं इस वीडियो में काफ़ी सारे फैक्टर्स बताऊंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सारे फैक्टर्स को देख के जाना, कोई भी फैक्टर्स मिस मत करना। तो अगर मैं आपको पहले पॉइंट में बताऊं, तो जो भी आप कॉलेजेस की ब्रांचेस को कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेरेबल होने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप IIT दिल्ली की कोई भी ब्रांच को कंपेयर कर रहे हैं किसी टीयर थ्री लाइक IP के किसी कॉलेज की CS या IIT से, तो ये बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। IIT दिल्ली की कोई भी ब्रांच आपको आँख बंद करके चूज़ कर लेनी चाहिए, ये CSIT को छोड़ के। जी हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, बहुत सारे, मैं सारे डिस्कस करूँगा, पर अभी के लिए आप ये जानिए कि अगर आपको IIT दिल्ली या किसी बड़े टीयर सुप्रीम के कॉलेज में आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है और आपको किसी टीयर थ्री कॉलेज में CSIT मिल रही है, तो आपको आँख बंद करके टीयर सुप्रीम वाले कॉलेज को, कोई भी ब्रांच को ले लेना चाहिए। तो अब सेकेंड पॉइंट में मान लीजिए आप किसी लोअर टीयर वन कॉलेज की ब्रांच को किसी हायर टीयर थ्री कॉलेज की ब्रांच से कंपेयर कर रहे हैं, CSIT से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप DTU NSUT की लोअर ब्रांच को लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को कंपेयर कर रहे हैं CSIO IP की CSIT से, ठीक है। तो इसमें अगर आपको देखना है तो आपको ये देखना है कि जिस कॉलेज में आपको CSIT मिल रही है उसमें कंपनीज कितनी आती हैं, क्योंकि अगर हम IP का एग्जांपल देखें या बाकी टीयर थ्री कॉलेज का एग्जांपल देखें तो वहाँ पे 30 40 या 50 60 कंपनीज आ रही होती हैं, जबकि DTU NSUT में 200 300 350 इतनी कंपनीज आ रही होती हैं टीयर वन कॉलेजेस में। हाँ, कि बच्चों को जो लोअर ब्रांचेस के बच्चे होते हैं उन्हें कम कंपनीज अलाउ करती हैं, बट तो जितनी टोटल नंबर ऑफ कंपनीज टीयर थ्री कॉलेज में आ रही होती है ना, उससे ज़्यादा कंपनीज तो टीयर वन में लोअर ब्रांचेस के बच्चों को अलाउ कर देती है, क्योंकि नंबर ही देखो ना इतना बड़ा है, 200 250 300 कंपनी आ रही हैं, उनमें से 50-60% भी लोअर ब्रांचेस को अलाउ कर रही हैं, फिर भी काफ़ी बड़ा नंबर बैठता है 30-40 के कंपैरिजन में। और टीयर थ्री कॉलेज में जो भी 30-40 कंपनी आती है ना, उनमें से ज़्यादातर होती है मास रिक्रूटर, जो मतलब कि ज़्यादा बच्चों को लेके जाती है पर पैकेज बहुत कम देती है, लाइक 3-4 लाख LPA का पैकेज देती है वो, जो कि बहुत कम होता है। और दूसरी हाथ पे अगर हम टीयर वन कॉलेजेस में देखें तो ऐसी कंपनीज बहुत कम देखने को मिल रही होती हैं जो इतना कम पैकेज दे रही हो, और क्योंकि बहुत सारे टीयर वन कॉलेज ना क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि भाई अगर 4 लाख से कम है तुम्हारी का पैकेज दे रहे हो तो तुम हमारे कॉलेज में नहीं आओगे, 5 लाख से कम का पैकेज दे रहे हो तो तुम्हारे कॉलेज में नहीं आओगे, ये क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। तो फिर ज़्यादातर जो टीयर वन में कॉलेजेस कंपनीज होती हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे पैकेज दे रही होती हैं, लाइक सारी बड़ी कंपनीज देखने को मिल रही होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी फैंग की कंपनीज, बट टीयर थ्री में ऐसा नहीं हो रहा होता, ज़्यादातर मास रिक्रूटर आ रहे होते हैं। और टीयर वन कॉलेज में हाईएस्ट जाता है 1 करोड़, 60 लाख, 80 लाख, और जबकि टीयर थ्री कॉलेज में जो हाईएस्ट पैकेज जा रहा होता है वो 8-9 लाख, 10-12 लाख पैकेज का होता है। तो फिर अगर आपको टीयर थ्री कॉलेज में जाना है तो आपको पूरी तरह डिपेंड रहना पड़ेगा अच्छी प्लेसमेंट के लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स पे। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में काफ़ी ये फैक्टर रह जाता है कंपटीशन का। अगर आप ऑन कैंपस में देखें तो आपका सिर्फ उन्हीं से कंपटीशन रहता है जो आपके कॉलेज में बच्चे हैं, पर ऑफ कैंपस में देखा जाए तो आपका पूरी मार्केट के साथ ही वो रहता है कंपटीशन। और ऑफ कैंपस में काफ़ी रेफरल का भी बहुत सीन रहता है कि कॉल आती है नहीं आती, वो बहुत थोड़ा रिस्क लेने वाली सिचुएशन हो जाती है, बट टीयर वन में ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज आ रही होती हैं। तो अगर आपको टीयर वन कॉलेज में, एक और फैक्टर है कि अगर बहुत ज़्यादा छोटी ब्रांच मिल रही हो ना, जैसे बायोटेक हो गई, टेक्सटाइल हो गई, प्रोडक्शन हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी ब्रांच मिल रही हो ना, तो भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन ब्रांचेस को ना बहुत ही कम कंपनीज अलाउ कर रही होती है, बहुत ही ना के बराबर कंपनीज टेक प्लेसमेंट्स के लिए। तो ये भी आपको फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। आपको अगर कॉलेज वाइज जानना है ना कि कॉलेज स्पेसिफिक की इन ब्रांच स्पेसिफिक, तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ लेना कि भैया इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, इसमें ये ब्रांच मिल रही है, क्या चूज़ करूँ, तो मैं आपको ब्रांच स्पेसिफिक बता पाऊँगा, है ना। तो फिर इस हिसाब से तो आपको देखना चाहिए कि टीयर थ्री कॉलेज से की CS से अच्छा आपको टीयर वन कॉलेज में नॉन CS ब्रांच ही आपको ले लेनी चाहिए। तो हमारा अगला पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़। टीयर वन के कॉलेज के बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन कंपैरिजन टू टीयर थ्री कॉलेजेस। टीयर वन के कॉलेज ना आपके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं कि आपको जंप मारनी है तो इसके ऊपर से आप कितनी भी जंप मार सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि अगर आप टीयर वन कॉलेज में हैं और आपका कोडिंग में दिल नहीं लगता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि पहले आप सोच के आए थे कि आपको कोडिंग करके टेक प्लेसमेंट लेनी है, पर अगर अब आपको कोडिंग में मन नहीं लग रहा है या अच्छी नहीं लग रही है,
तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं टीयर वन कॉलेजेस में, लाइक आप नॉन टेक प्लेसमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, कोर की तरफ जा सकते हैं, और या फिर अपना स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी टीयर वन कॉलेजेस फंड्स देते हैं अपने बच्चों को स्टार्टअप खोलने के लिए, जी हाँ। और बल्कि टीयर थ्री कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। टीयर थ्री कॉलेज में आपको भाई ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, आपको ये है कि अब आपको करनी कोडिंग है, आप इसके अलावा बहुत कम चांसेस हैं कि आप कुछ और कर सकते हो, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। इस पॉइंट की वजह से भी आपको चूज़ करना चाहिए। भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीयर ग्रुप। आपको देखने को मिलेगा कि टीयर वन कॉलेज में देश के बेस्ट ब्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो पूरी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर करके आए हुए हैं, जबकि टीयर थ्री कॉलेज में आपको इतना अच्छा पीयर ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। पीयर ग्रुप भाई आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि अगर आपके आसपास के चार दोस्त कोडिंग कर रहे होंगे ना, तो आप भी वो करोगे, आपका ही मन करेगा वो करने के लिए। अगर आप कुछ भी ले लो, आपके आसपास के चार दोस्त अगर वो चीज़ कर रहे हैं ना, तो आपको खुद का मन करता है कि भाई आप भी वो करो, ठीक है। इसलिए भाई पीयर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, जो कि आपको टीयर वन कॉलेजेस में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा होगा। इसलिए आपको टीयर वन कॉलेजेस भी चूज़ करने चाहिए टीयर थ्री की सीएस के ऊपर। तो भाई और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, लाइक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ, उन बेस्ट फेस्ट, उनमें भी टीयर वन कॉलेजेस कहीं ना कहीं जीत रहे होते हैं टीयर थ्री कॉलेजेस से। तो अब मैंने आपके सामने सभी फैक्टर्स रख दिए हैं, अब आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। अब आप समझदार हैं, मैंने आपके सामने सभी फैक्टर्स रख दिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो कि भाई मेरे को ये कॉलेज मिल रहा है और ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, तो मेरे को क्या लेना चाहिए, आप ये मेरे से कमेंट में पूछें, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, ताकि आप अच्छा कॉलेज चूज़ कर पाएँ, आप गलती ना करें अपने कॉलेज को चूज़ करने में। तो फिर आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।